हिंदुस्तान के तमाम साथियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। रात के 8 बजे हैं और आज आप आज की ट्रेनिंग के लिए आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि आज की ट्रेनिंग में मथुरा की सरजमी से एक ऐसी लेडी आई हैं सिखाने के लिए आप लोगों को, जो वुमन एम्पावरमेंट की एक लाइव एग्जाम्पल कह सकते हैं आप। हिंदुस्तान की सरजमी पर एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने लोगों को सिखाया कि वक्त हालात परिस्थितियां कैसी भी हो, एक फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए, वो वक्त हालात परिस्थितियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती हैं अगर उनका जज्बा स्ट्रांग हो। तो उसी मनस्थिति के अकॉर्डिंग आरती दीक्षित जी ने एक इतिहास रचा है और रेनेटस की दुनिया में एक कामयाब शख्सियत के तौर पर उनकी गिनती होती है। एंड आज आप सभी के बीच में ये मौजूद है और आज आपको कुछ सिखाएंगी, गाइड करेंगी। आज की दिन, आज का ये लम्हा कंप्लीटली समर्पित है आरती दीक्षित जी के जज्बे को। तो आप सभी पूरी तरीके से रहे तैयार, अपनी पूरी टीम को आमंत्रित करें। बहुत ही वक्त के बाद आज आपको फिर से एक फीमेल की ताकत से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। बहुत सारी हमारी माताएं बहनें बड़ी एक्साइटमेंट के साथ आज के डेट में आज की इस कमांडो ट्रेनिंग 145 को अटेंड करने के लिए तैयार हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, ट्रेनिंग के आखिर आखिर तक में आपको बिल्कुल ही निराशा हाथ नहीं लगेगी। आज आपको प्राउड फील होगा कि इस लेवल की कंपनी के आप पार्ट हैं और इस कंपनी के आप सदस्य हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ऐसी कंपनी, भारत के इतिहास की एक ऐसी कंपनी जिसने रेवोल्यूशन लाया, भारत के इतिहास की एक ऐसी कंपनी जिसने 3 जुलाई 2018 को हिंदुस्तान की सरजमी पर आगाज करने के बाद 154 करोड़पति बना दिए, भारत के इतिहास की एक ऐसी कंपनी जिसने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम आरंभ किया हिंदुस्तान की सरजमी पर जिस एजुकेशन सिस्टम का विकल्प कहीं भी पूरे भारतवर्ष में ढूंढने पर भी नहीं मिला, खास करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। तो ये बहुत बड़ा आगाज है, बहुत बड़ा आगाज है, बहुत बड़ा आगाज है कह सकते हैं, क्योंकि आज हमारे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर रेनेटस वेलनेस की दुनिया से जुड़ते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर रेगुलर बेसिस पर खुद को अपग्रेड कर पाते हैं। अपग्रेड करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? रीजन ये है कि उन्हें शिक्षा मिलती है उच्चतम क्वालिटी की। जब उच्चतम क्वालिटी शिक्षा के सानिध्य में रहकर जब अपने जिंदगी में वो कर्मों का तूफान उत्पन्न करते हैं, तो उनके जीत की जो क्षमता है, जीत का जो प्रतिशत है, कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। यही रीजन है कि यहां पर 100 में 80 लोग ऑलमोस्ट कामयाब हो जाते हैं, जो टिके रहते हैं मैदान में बगैर गिवअप किए। 100 में 80 की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि रेमेटस की दुनिया में सिर्फ टिकना मैंडेटरी है। टिके रह गए ना, मैदान आपने नहीं छोड़ा ना, मेल हो या फीमेल हो, अगर आप गरीब हैं अमीर हैं डजंट मैटर, शिक्षित हैं अशिक्षित है डजंट मैटर, मैदान में टिकना है दृढ़ संकल्पित इरादे के साथ। और वही दृढ़ संकल्पित इरादा आपका आपको उस हद तक स्ट्रेंथ देता है कि आप हर उन अरमानों को पूरा कर सकते हैं जिन अरमानों के सपने में भी लोग परिकल्पना नहीं कर सकते। तो डेली बेसिस पे मैं आपको कमांडो ट्रेनिंग में मैं खुद मिलता हूं। मेरा नाम ऋषिकेश पाठक है और ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, बहुत बेहतर तरीके से पहचानते हैं। और फिजिकल कमांडो ट्रेनिंग का दौर भी पूरे हिंदुस्तान में स्टार्ट हो चुका है और कल मुलाकात होगी कोलकाता में चिनार पार्क, और कोलकाता के ऑफिस में बहुत ही धमाकेदार ट्रेनिंग होनी है। तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं उन लम्हों के लिए। बैक टू बैक ट्रेनिंग का शेड्यूल आप लोगों को जरूर मिला होगा, तो एक्साइटमेंट की सीमा एक चरम पर है। और आज मैं आरती दीक्षित जी को भी सुनने के लिए एक्साइटेड हूं, क्योंकि आज इनकी आवाज सुनकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की सारी महिलाओं में एक ऊर्जा का संचार होगा। महिलाओं को यह महसूस होगा कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ दूसरों की जिम्मेदारियां उठाने के लिए ही नहीं बनी है, हमारी जिंदगी सिर्फ रोटियां बेलने को नहीं बनी है, हमारी जिंदगी सिर्फ लोगों की डांट फटकार सुनने को नहीं हुई है, हमारी जिंदगी सिर्फ लोगों से पैसे मांगकर अपने सपनों को पूरा करना। लोगों से तात्पर्य है अपने हस्बैंड से, लोगों से तात्पर्य है अपने पिता से, लोगों से तात्पर्य है अपने भाई से। आज की ट्रेनिंग सुनने के बाद हर उस महिला को फील होगा कि मैं घर में रह के रोटी पकाते हुए, घर में रह के अपने परिवार को संभालते हुए, घर में रह के अगर मेरे अंदर वो दृढ़ संकल्पित इरादा है, तो मैं एक कुशल गृहिणी रहते हुए भी लाख रुपए हफ्ते तक कमा सकती हूं, क्योंकि रेनेटस है मेरे पास।
लोगों की मदद करते हुए, धर्म की रक्षा करते हुए मैं इतनी रकम कमा सकती हूं। यह आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी सारी माताएं बहनों में के एक ऊर्जा का संचार होगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज पहली दफे मैं प्लान से स्टार्ट करूंगा, ना कि प्रोडक्ट के बारे में पहले बातें करूंगा। आपको पता है फ्रूट रूट बेरी चेरी मशरूम लीफ का एक ऐसा कॉम्पोजिशन जिसने पूरे भारतवर्ष को सोचने पर मजबूर कर दिया। फ्रूट रूट बेरी चेरी मशरूम लीफ उच्चतम गुणवत्ता का प्रोडक्ट सबसे सस्ते दरों पर, यानी कि हमसे सस्ता हमसे अच्छा ढूंढना पड़ेगा साहब, नहीं मिलेगा। कल मैंने बताया था ना प्रोडक्ट का सेशन, डिलीट नहीं किया, चेक कर लेना। जिनको भी प्रोडक्ट की क्वालिटी समझनी है ना, वो लिंक आज भी ऑन है। कल वाली ट्रेनिंग, कल की ट्रेनिंग के बाद मुझे बताते हुए ये गर्व की अनुभूति हो रही है, लगभग 33 कॉल मेरे पास ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स के आए जो रीजनल एंड अबव थे, 33 कॉल, और 33 ऐसे रीजनल एंड अबव लीडर्स ने मुझे कहा कि सर जो इंग्रेडिएंट की क्वालिटी और जो गुणवत्ता के कॉम्पोजिशंस को आपने लिखाया ना, जिन गुणवत्ता को हमने एहसास कर लिया ना सर, जिन डॉक्टर्स ने, बड़े बड़े एमबीबीएस ने यह स्टेटमेंट दिया था कि भाई साहब तुम्हारी प्रोडक्ट फूड सप्लीमेंट में भी किस कैटेगरी की हो सकती है, इसकी प्रामाणिकता मुझे समझ में नहीं आ रही, उन डॉक्टर्स ने स्वीकार किया कि अगर दवाइयों के साथ में इसे प्रयोग में लाया जाए तो सिलेक्टेड न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा सकता है, प्रॉपर वो विटामिन मिनरल एंजाइम प्रोवाइड किया जा सकता है जिसकी जरूरत है ह्यूमन बॉडी को। यानी कि आज अच्छे अच्छे डॉक्टर्स ने भी उन गुणवत्ता को समझने के बाद, उनकी कॉम्पोजिशंस को समझने के बाद ये स्वीकार किया कि हाँ ये फूड सप्लीमेंट है, हाँ ये नेचुरल फूड सप्लीमेंट है जो मानवता की रक्षा कर सकता है। और हमें गर्व है रेनेटस पे, उन दिग्गज डॉक्टरों का एग्जैक्ट कहते हैं ना कि लॉक टूट गया, उनका माइंड क्लियर हो गया जिन्होंने कभी सोचा था। इसलिए मैं कहूंगा कि अगर अभी तक आपने कल की रात वाली ट्रेनिंग अटेंड नहीं की है रेनेटस वेलनेस की कमांडो ट्रेनिंग 144, तो आज भी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आप एक बार कागज कलम लेकर बैठिए और एक एक लम्हे को सीख लीजिए, मजा आ जाएगा। तो मैं इंग्रेडिएंट के बाद मैं डायरेक्टली आपके पास पहुंच रहा हूं प्लान पे। ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट 1794 रुपए का है, 1350 रुपए में आपको मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में, 10 प्रकार की वर्ल्ड क्लास इनकम। यहाँ पे स्लो ट्रैक पकड़ेंगे आप तो 32 सीसी, 96 सीसी, 160 सीसी से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। फास्ट ट्रैक पकड़ेंगे तो 288 सीसी, 640 सीसी से आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। शुरुआती दौर में आयरन लेडी, जितनी लेडी है हमारी, नीभा पटवारी मैम के बारे में आपने सुना होगा, जो फर्स्ट टाइम उनकी एंट्री हुई थी, क्या गजब का एक्साइटमेंट, क्या गजब का जुनून था। उन्होंने एहसास कराया पूरे भारतवर्ष को कि अगर लीडरशिप क्वालिटी आपके पास है तो किस हद तक आप अपने आप को रीबिल्ड कर सकते हैं, खुद को बना सकते हैं, स्ट्रक्चर वाइज अपने आप को कर सकते हैं, ये बताया था। और आज हमारी सेकंड आयरन लेडी मथुरा की सरजमी सर से आरती दीक्षित जी हैं, जो आपको फील कराएंगी, एहसास कराएंगी कि रेनेटस की दुनिया में आपका फ्यूचर कैसे सिक्योर है। यहाँ पर इन्हें भी 1000 रुपए मिला था शुरुआती दौर में, फिर 2500 रुपए इन्होंने भी कमाया डायरेक्टर 250 बनकर, फिर डायरेक्टर 500 बनकर आप भी कोई भी कमा सकते हैं 7800 रुपए, मतलब टीम डेवलपमेंट बोनस इंक्लूड करके, फिर 10000 रुपए हफ्ते तक कमाने का भी मौका है, 30000 रुपए हफ्ते तक कमाने का भी मौका है, 55000 से 75000 कमाने का भी मौका है, देखते देखते 1.5 लाख से 2 लाख रुपए हफ्ते कमाने का भी मौका है, 4 लाख से 5 लाख रुपए कमाने का भी मौका है। बैक टू बैक बहुत सारे लेवल है जहां पर आपको बहुत अच्छी इनकम कमाने का मौका है, 20 लाख 25 लाख रुपए कमा सकते हैं हफ्ते में, सिर्फ 200 बॉटल का कंप्लीट बिजनेस पूरी टीम के साथ करने पे, ग्रुप वन ग्रुप टू में आप वर्ल्ड क्लास फास्ट स्टार अकोमोडेशन को एंजॉय कर सकते हैं, जहां पे अभी हम लोगों ने सौरभ गांगुली जी के साथ में बहुत ही बेहतरीन रिट्रीट को ऑर्गेनाइज किया था दिल्ली में, गुड़गांव में, हयात रेजेंसी में। उसके बाद अभी हम लोगों ने रिसेंटली कोविड की कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए भी हमने भारत की एक लौती कंपनी जिसने लोगों की एक्साइटमेंट की सीमाओं को
तोड़ दिया और लोगों के हृदय में वास करा दिया अपनी रिट्रीट के ऑर्गेनाइज करने की नीतियों के तहत, वो था हमारा दुबई का ट्रिप, जो सिर्फ और सिर्फ 45,000 सीसी पूरी टीम से बिजनेस करने के बाद आपके पास ये मौका होता है। पूरी टीम की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि कंपनी एकमात्र है रेनेटस जिसने कभी आपको भेड़ियों में नहीं जकड़ा, आपको स्वतंत्र रखा है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के सपनों को पूरा करने के लिए आपको छोड़ दिया है। जितने आपके अरमान है, जितने सपने हैं ना, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के, अपने लोगों के, जिन्हें आपने सपने दिखाए हैं ना, उनके बस सपनों को पूरा करा देना मेरे दोस्त, आपके ऑटोमेटिकली सारे सपने पूरे हो जाते हैं। ये है रेनेटस वेलनेस की क्वालिटी। यानी कि 45,000 सीसी जैसे ही कंप्लीट किया लोगों ने, 394 उसके लिए इंटरनेशनल टूर दुबई गए, लम्हों को जिया लोगों ने अपनों के साथ। ये था मोमेंट। एक कहते हैं ना मोमेंट ऑफ द कंपनी, तो मोमेंट ऑफ द कंपनी ये सारी रिट्रीट्स हमारी हैं, जो यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ है हमारी रेनेटस वेलनेस की। मैं अगर बात करूं 1,45,000 सीसी भारत की एकमात्र, मैं फिर कहूंगा इतना आसान क्या रिट्रीट होता है? लोग सोचते हैं सच में इतना आसान रिट्रीट होता है, मैं भाई साहब कह रहा हूं हाँ होता है। मार्च अप्रैल की प्लानिंग अलमाटी की हो चुकी है कजाकिस्तान, जरा सोच के देखिए 1,45,000 सीसी, ऑलमोस्ट 100 लोग क्वालिफाई भी कर चुके हैं। ये क्या हो रहा भाई, इंटरनेशनल ट्रिप इतनी आसानी से, एनी बॉडी कैन अर्न। पाठक जी क्या कह रहा हो यार, आज आपको समझ में आ जाएगा। जिसने भी आपको आज की ट्रेनिंग में बुलाया है ना, उसे गले लगा लेना यार, और ट्रेनिंग के बाद उसके साथ जुड़कर बोलना मैं भी रेडी हूं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीतने के लिए। बस जीत की परिभाषा को परिभाषित कर दो मेरे दोस्त, मुझे 40 बॉटल के साथ 640 सीसी के साथ जुड़ना है। बस एक बार कॉन्फिडेंस के साथ अपनों को बताइए रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट और मैं आपके साथ खड़ा हूं हर कदम पे आपको जीत आने के लिए, हर कदम पे हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने के लिए। ना कभी आप रुकेंगे, ना कभी आप थकेंगे, ये मैं आपको वचन देता हूं, क्योंकि मैं कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्मों का तूफान उत्पन्न कर रहा हूं और आपको भी ना रुकने दूंगा ना ठहरने दूंगा। आज जिसने भी आपको बुलाया है ना, एक बार उसे गले जरूर लगा लेना, क्योंकि वो साधारण स्पॉन्सर आपका नहीं होगा। आज तक आपने जितनी कंपनियों को सुना है ना, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बागड़ बिल्ले मिलते हैं। भारत की पहली कंपनी है जिसने आंखों में आंखें मिलाकर एक शब्द कहा है, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की भी हम रक्षा करते हैं, अपनों के सपनों की भी हम रक्षा करते हैं, और आपकी आंखों में आंखें मिलाकर जो भी हम आपको सपने दिखाएंगे ना, उसकी वास्तविक स्वरूप को आपके समक्ष रख देते हैं। ये मैं नहीं सिर्फ कह रहा, अभी आपको फील होगा आरती दीक्षित जी की स्टेटमेंट को सुनने के बाद और उनके लफ्जों को महसूस करने के बाद। तो देर ना करते हुए मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं आयरन लेडी ऑफ मथुरा, और मथुरा की एक ऐसी लेडी जिन्होंने पूरे खास करके गृहिणियों को, खास करके महिलाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया कि तुम रोटियां ही बेलती रहोगी या आरती दीक्षित की तरह लाख रुपए हफ्ते में कमाओगी। आइए मैडम, स्वागत है आपका, पूरा भारतवर्ष झुक कर आपका इस्तकबाल करता है। आप अपने आप को म्यूट कर सकती हैं, ऑडियो एंड वीडियो। थैंक यू। गुड डे, एक वीडियो प्ले करना है। ऑप्शन ऑन कर दिया है मैंने, ऑन करिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच गुड डे।
कुलदेव आवाज आ रही है मेरी? वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है, वीडियो ऑन करिए। थैंक यू सो मच कुलदेव, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं अपने परमपिता परमेश्वर से और अपनी माता रानी को सर झुका के प्रणाम करना चाहती हूँ, नमस्कार करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं इस मंच को नमन करते हुए आरती दीक्षित, क्योंकि ये इंटरनेशनल मंच है तो मेरा घबराना जायज है। मैं सभी अपने ग्रेट गुरुओं को, रिस्पेक्टेड ग्रेट गुरुओं को, महागुरुओं को प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए, रॉक एंडस कहते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए और उनके नाम से मैं जरूर बताना चाहूंगी जिनकी वजह से आज मैं रेनेटस वेलनेस के इंटरनेशनल मंच पे कमांडो ट्रेनिंग में रिस्पेक्टेड ऋषिकेश सर के माध्यम से मुझे यहाँ आने का मौका मिला। मैं जरूर आज नाम लेना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। और उससे भी पहले अपने माता पिता को मैं सर झुका के प्रणाम करती हूँ, सर झुका के प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ कि अगर वो ना होते और वो ना होते तो मैं इस दुनिया में नहीं आती, तो मैं अपनी माँ को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। थैंक यू सो मच अशोक सर, थैंक यू सो मच। डायरेक्ट शेलिंग मिलाने वाले आप ही हैं, आपकी वजह से आज इस मंच पे आई। थैंक यू सो मच मेरे ग्रेट गुरु डॉक्टर दिनेश राजपूत सर, डॉक्टर रीमा राजपूत मैम, मेरे बड़े भाई के रूप में मुझे यहाँ पे रेनेटस वेलनेस में मेरे महेश राम सर, मेरे ग्रेट गुरुदेव रमेश वर्मा जी, आपको भी नमन, ग्रेट गुरु अब्दुल रहीम सर। जी हाँ दोस्तों, मेरे तपस विश्वासता मैं उनको भी वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। सुमित देवनाथ सर, मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ। ग्रेट गुरुओं के भी गुरु, गुरुओं के भी गुरु और महागुरु, हमारे सबके प्यारे दादा, दादा मैं प्राउड फील करती हूँ दादा सबसे। अपने आप में मुझे खुद प्राउड हो रहा है कि मैं दादा बोल रही हूँ, क्योंकि दादाजी का सानिध्य तो कभी नहीं मिला मुझे, लेकिन रेनेटस वेलनेस में मुझे दादा मिल गया। दादा मेरे रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड वन एंड ओनली रेनेटस के ताज सुब्रतो दादा को मैं नमस्कार करती हूँ, सर झुका के प्रणाम करती हूँ। हमारे गॉड फादर विकास श्रीवास्तव सर को भी मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। ऑल मैनेजमेंट ऑफ रेनेटस वेलनेस को मैं तहे दिल से आज कमांडो ट्रेनिंग के मंच से मैं उसको सत सत प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ कि अगर वो ना होते, उन्होंने उन्होंने अगर रेनेटस वेलनेस का जन्म ना दिया होता तो आज मैं भी ना होती, आप ना होते, कोई ना होता। तो मैं सत सत नमन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऋषिकेश पाठक जी, आपने आज अपना मंच मुझे थोड़ी देर के लिए दिया, तो मैं आपको भी सर झुका के प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आज आपका सानिध्य मुझे यहाँ मिल रहा है। सोचा करती थी जब मैं कमांडो ट्रेनिंग डेली लेती थी तो मैंने एक प्रण किया था और माता रानी को वो समर्पित कर दिया था कि एक दिन वो होगा कि आपके मुंह से मेरा भी नाम आएगा कमांडो ट्रेनिंग में। तो आज अपनी माता रानी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ, उनके चरण स्पर्श करती हूँ, उनको उनकी ही छत्र छाया में ये सब कुछ हो पाया, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही तो होता है, जो हम सोचते हैं वही तो होता है। तो मैं कोई भी बात स्टार्ट करने से पहले मैं अपने
अपने जो आज मुझे बेहतरीन आशीर्वाद मिला है उनको मैं आंख बंद करके एक मिनट के लिए जरूर उनको मैं अपने ध्यान में लाना चाहूंगी। प्लीज। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवःस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवःस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवःस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नतमस्तक होके अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ, नतमस्तक होके अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि हमारे जब गुरु साथ में होते हैं तो हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। गुरु कहता है कि मैं तेरे साथ में हूँ, तू चल, तो मेरे गुरु मेरे साथ में, तो क्या डरने की बात है। दोस्तों, आज मुझे जितने भी रोवियंस दिग्गज महारथी, हमारी पूरी रेनेडस वेलनेस के महारथी दिग्गज देवता तुल्य आत्माएं, दिग्गज लीडर्स महारथी एम्बिशियस लीडर्स, मैं उनको भी जिनकी छत्र छाया मुझे अभी रिपीट में मिली थी, मैं जिनको भी सुना करती थी, सभी दिग्गज जो कि कमांडो ट्रेनिंग में अभी तक आ चुके हैं और जिनसे मैंने एक एक करके एजुकेशन ली है, जिनसे मैंने सीखा है, मैं उनको भी सभी को नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। दोस्तों, मैं आरती दीक्षित मथुरा उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, आज मेरा सपना हुआ करता था कि मैं आरती दीक्षित कभी, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत भीड़ होगी और मैं अपनी जर्नी के बारे में उनसे शेयर करूंगी। मैंने अभी तक अपनी जर्नी किसी से शेयर नहीं की, कभी नहीं की, लेकिन मुझे आज मौका मिला है तो मैं जरूर करूंगी शेयर। दोस्तों, कभी मौका नहीं मिलता लोगों को, मौका ही नहीं मिलता, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको मौका मिलता है, बाकी तो मंच कहाँ मिलते हैं आपको, अपनी जिंदगी काटते हैं लोग, जीते कहाँ हैं, आपको अपनी बातें रखने का भी मौका नहीं मिलता, खासकर महिलाओं को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पूरा दिन काम। बड़ी बात नहीं है, मैं भी करती हूँ। दोस्तों, मैं आरती दीक्षित, जन्म हुआ मेरा सादाबाद डिस्ट्रिक्ट हाथरस जिले में, और मैं 7 भाइयों की अकेली बहन हूं, रियल 7 भाई है मेरे। मेरे भाइयों का बहुत बड़ा सपना था कि मैं बहुत बड़ा करूं, क्योंकि गांव में पली बड़ी, कोई गाइड करने वाला नहीं था, मेरे पापा किसान, पता नहीं सोच मेरे अंदर कहां से आ गई कि मैं कुछ बड़ा करूं, मैं कुछ बड़ा करना चाहती थी, मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे बहुत सारी महिलाएं बहुत बड़ा कर सके, हम साथ में कुछ महिलाएं बड़ा कर सके, कुछ ऐसा लगता था कि बस कुछ महिलाओं का साथ हो और हम कुछ ऐसा ऐसा करें जिससे हमारी पहचान बने, मेरी पहचान बने। तो बस पढ़ाई लिखाई की, डबल ए में बीएड किया, शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, लेकिन मन में कसक थी कि कुछ करना है, बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। लेकिन थैंक यू सो मच
जर्नी बहुत स्ट्रगल भरी रही, बहुत स्ट्रगल भरी रही, क्योंकि जब लड़की पढ़ने जाती है ना, सॉरी, माँ बाप बड़ी मुश्किल से तो वो पढ़ाई लिखाई के लिए अपने आप को जुटा पाती है, क्योंकि घर से निकलती है ना तो बहुत प्रेशर होता है कि तू हमारे घर की इज्जत है, तू हमारे घर की इज्जत है, तुझे हमारी इज्जत देखनी है और पढ़ाई करने जा रही है, सीधे रास्ते आना, सीधे रास्ते जाना, कैमरा लगा होता है हमारे ऊपर, कैमरा दोस्तों, कैमरा लगा होता है। कहाँ पे है, बीएड किया तो घर, स्कूल छोड़ रहा है तो वहां पर, क्योंकि किसी अपने घर से तो कहीं स्कूल पास में नहीं था, 50 किलोमीटर पर डे जाना बस से और पर डे आना, कुछ स्ट्रगल इस तरह का रहा, तो माँ बाप का कैमरा लगाना जायज था, जायज था। जब बेटी बड़ी होती है ना तो कैमरा रखना पड़ता है और रखना भी चाहिए, लेकिन गाइड करने वाला नहीं होता कोई भी गांव में, गाइड करने वाला माहौल भी नहीं, क्योंकि किसान परिवार के साथ, भाई भी मेरे किसान है, किसी की गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, किसी की भी नहीं लगी, तो वो एक ही चीज बोलते थे कि हमारी बहन को बहुत पढ़ाएंगे, हमारी बहन को हम बहुत पढ़ाएंगे। और मैंने भी प्रण कर लिया कि मेरे भाइयों का मैं अभिमान बनूंगी, आरती दीक्षित, आरती दीक्षित। मैंने अपना सरनेम भी चेंज नहीं किया आज तक, मैंने अपना सरनेम चेंज नहीं किया, सॉरी मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ, लेकिन अंदर से मैं स्ट्रांग भी बहुत हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं केवल कमजोर हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ, क्योंकि मैं रन ऑफ वेलनेस में काम करती हूँ, और रन ऑफ वेलनेस में काम करने वाले कमजोर नहीं होते, मैं तो पिछली जर्नी को थोड़ा सा, तो बस पढ़ाई लिखाई की, एजुकेशन, शादी हो गई तो बच्चे स्ट्रगल बहुत, क्योंकि ऐसा लगता था कि शादी के बाद मजे आएंगे, ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, क्या हुआ नहीं हुआ तो, क्योंकि किस्मत कुछ बड़ा कराना चाहती है ना, कुछ बड़ा कराना चाहती है तो बहुत बड़ा पेशेंस आपको देती है। एक चीज लगती थी कोई बात नहीं आती, अभी थोड़ा सा स्ट्रगल और है, कोई तो ऐसा आएगा जो तेरे सपनों को पूरा कराएगा, ऐसा लगता था मुझे, कोई तो आएगा जो मेरे सपनों को साकार कराएगा, क्योंकि मैं बड़ा करना चाहती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ बड़ा करूं, मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे लेडीज, जिससे नारी शक्ति कुछ ऐसा करे, उनके अंदर मजबूती आ रही, क्योंकि नारी शक्ति को पहले से ही मजबूत थी, क्योंकि कहीं ना कहीं नारी शक्ति को बढ़ाने वाला पुरुष वर्ग, नर और नारी का संबंध बहुत ही बेहतरीन होता है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन होता है। मैं जानती हूँ कि महिला सशक्तिकरण बहुत बड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं महिला को सशक्त करने वाला भी मर्द है उसके पीछे। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जी हाँ दोस्तों, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब एक नारी उठी है तो उसके पीछे किसी न किसी कमांडो का हाथ रहा है। मैं किसी की भी बात करूं, चाहे मैं बात करूं मैरी कॉम की, वो गरीब परिवार में पैदा जरूर हुई थी, लेकिन सोच को बदलने वाला कोई ना कोई उनके साथ था, उनका गुरु कमांडो जो उनको तैयार कर रहा था। मैं बात करूं इंदिरा गांधी की, जो पहली प्रधानमंत्री बनी, उनके पीछे कोई मर्द था। मैं बात करूं लता मंगेशकर की, उनको भी प्रेरित करने वाला कोई मर्द था। मैं बात करूं अनुसुईया की, मैं बात करूं सती की, सावित्री की, किसी की भी बात करूं, किसी न किसी के पीछे पति का हाथ, क्योंकि कहीं ना कहीं सावित्री ने भी अपने पति को जिंदा किया, तो पति ही प्रेरित करने वाला था कहीं ना कहीं। तो जब जब नारी ने इतिहास लिखा है, जब जब, चाहे प्रतिभा पाटिल की बात करूं, प्रतिभा पाटिल जो हमारी पहले भारत की राष्ट्रपति महिला, उनको भी प्रेरित, इंस्पिरेशन करने वाला, उनको भी अप्रिशिएट करने वाला कोई पुरुष वर्ग था। मैं किसी भी बात करूं, किसी भी सुषमा स्वराज की बात करूं, किसी भी नारी शक्ति की, आज तक लक्ष्मी बाई की भी बात करूं, तो उनके भी गुरु एक मर्द थे, उनके भी गुरु एक नर थे। का जब जब नारी ने ऐसे ऐसे टॉप को छुआ ना, उसके पीछे नर का हाथ रहा है। हाँ दोस्तों, मैं जानती हूँ कि लोग बोलते हैं कि एक सफल पुरुष के साथ एक नारी का हाथ होता है। जी हाँ, मैं जानती हूँ इस बात को, लेकिन इस बात को मुझे नारी शक्ति से कहने में कोई हिचक नहीं होती कि जब जब नारी बढ़ती है ना, तो एक मर्द की शक्ति, एक पुरुष वर्ग काम करता है कि हाँ तू चल, मैं तेरे साथ में हूं। चाहे वो गुरु के साथ में हो सकता है, वो भाई के रूप में हो सकता है, वो गुरु के साथ, भाई के साथ, पति के रूप में, पिता के रूप में, आपके दोस्त के रूप में, आपके अपलाइन के रूप में, आपको रिलोबियंस के रूप में, आपकी लव लाइन के रूप में, क्रॉस लाइन के रूप में, कोई भी हो सकता है आपको बढ़ाने वाला। मुझे विश्वास था, इतनी परीक्षा मेरी माता रानी नहीं ले सकती,
बचपन से ऐसे परिवार, क्योंकि मीडियम परिवार था, सात भाई एक बहन, बहुत सारा परिवार पूरा होता है, तो आपको पता है कि किस तरह का खान पीन भी रहता है। वैसे वैसे बहुत सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी कसक थी कि अच्छे कपड़े पहनना मन करता था। लोगों को जब पहनते हुए देखती थी कि ऐसे पहनने हैं, ऐसे पहनने हैं, मन करता था कभी कि सब लोग सबको बहुत प्यार करते हैं, मुझे कोई क्यों नहीं प्यार करता, मुझे क्यों नहीं करता कोई प्यार। तो टेंशन ना लो, एक विश्वास था अपनी माता रानी पे, भरोसा था अपने ऊपर कि कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो ऐसा होगा, और माता रानी ने कुछ तो एक ऐसा चीज बना के रखा होगा, कोई तो होगा इस लाइफ में जो मेरे सपनों में उड़ान भरने आएगा, कोई तो होगा, इसलिए आरती दीक्षित इस दुनिया में जिंदा रही, इस आस के ऊपर जिंदा रही, इस बात के ऊपर जिंदा रही। एक चीज तक करती थी कि हाँ कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा होगा, और मैं इस दुनिया में बड़ा करने के लिए भगवान ने मुझे भेजा है, ऐसे ही नहीं मेरे को भेजा, ऐसे ही नहीं भेजा। तो इसलिए पेशेंस रखा थी, कुछ ऐसा गलत वर्क कर लेना, गलत डिसीजन मत लेना, स्ट्रगल है कोई बात नहीं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी, छोटी सी हिंट दूंगी, ज्यादा नहीं डीपली बताऊंगी, क्योंकि डीपली चली गई तो मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, और मैं डिप्रेशन में नहीं जाना चाहती, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। और मैं ना आपको इमोशनल करने आई हूँ, लेकिन आज मुझे मौका मिला है सबके सामने, अंदर से मन करता था, वो मेरा सपना पूरा हुआ है कि मैं कभी तो अपनी स्टोरी को सबके सामने हल्का सा बोलूंगी कि मैंने अपने दोनों बच्चों को लेके अपने हस्बैंड के साथ हॉस्टलों में दिन काटे, मैंने हॉस्टलों में भी दिन काट दिए, केवल बड़ा करना चाहती थी, सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ के, कोई बात नहीं, शांति चाहिए मुझे, सिर्फ मुझे मेहनत करनी है, मेहनत उसे कितनी भी करवा लो, कितना भी काम करवा लो, 24/7 में थकती नहीं हूँ, कभी भी, कभी नहीं थकती है। आपकी किसी पता नहीं किस चीज की बनी है, कभी थकती नहीं है, कभी रुकती नहीं है, लेकिन मुझे शांति चाहिए, प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, बस। लड़ाई झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लोग क्या कहते हैं, डजन मेटर की फिक्र आने वाला, लोग बोलते हैं जब आप घर से निकलते हैं ना, जब डायरेक्शन इंडस्ट्री में मुझे पहला कदम रखने वाला मेरा लिस्ट में नाम आया, किसी ने मेरा नाम लिखा कि इस आरती दीक्षित को डायरेक्शन में ले आए, तो इसके सपने, मुझे किसी ने बोला तुम लाखों रुपए कमाओगी, कार होगी, बड़ा घर होगा, ये होगा, वो होगा, विश्वास तो नहीं था, लेकिन विश्वास किया। हो सकता है आरती दीक्षित आप जो बोलती हो, मैं अपने आप से बोल रही थी कि आप जो बोलती हो कोई आएगा, शायद इसके माध्यम से कुछ मिल जाए। तो उसने ज्वाइन तो करा दिया इस इंडस्ट्री में, लेकिन साथ नहीं दिया, और साथ देने के लिए अशोक सर जी ने मेरा हाथ पकड़ा, साथ दिया मुझे, और आज बताते हुए फख्र होता है कि धीमे धीमे उन्होंने मेरे ड्रीम्स लिखवाए। और आज जेनेटिक्स में आने के बाद दोस्तों, जब आपको बुरा वक्त आता है ना, तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, अपने भी रिश्तेदार, कोई भी हो, कोई नहीं पूछता कि आपको किसी चीज की जरूरत है क्या, आप कभी भी जरूरत पड़े मुझे कॉल करना, कोई नहीं होता अपना। और मैं आरती दीक्षित किसी पे बोझ बनना नहीं चाहती थी, कभी भी बोझ बनना नहीं चाहती थी, बस मेहनत करके चटनी से रोटी खा लूंगी, लेकिन कभी किसी पे बोझ नहीं बनी, किसी पे बोझ नहीं बनी। मेरे मेंटर ने मेरा साथ दिया, और उस वक्त में मेरे साथ कुछ ऐसे लीडर्स ने साथ दिया मेरा, ऐसे लीडर्स ने मेरा साथ दिया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे बताते हुए फख्र होता है कि कुछ लोगों ने ऐसे बोला कि आरती दीक्षित मैम, किसी ने बहन बोला, किसी ने दीदी बोला कि हाँ हम आपके साथ खड़े हैं, उनका मैं जरूर नाम लेना चाहूंगी। मुझे बताते हुए फख्र होता है कि मेरे ग्रेट गुरु तो साथ में थे ही, लेकिन ऐसे मेरी प्यारी सी टीम जो आज ऑल ओवर इंडिया में रन कर रही है, मुझे बताते हुए प्राउड होता है। चाहे मैं बात करूं उनका, रानी शर्मा, दिग्गज नारी शक्ति, टाइगर लेडी ऑफ इंडिया के नाम से उन्हें जानते हैं, मुझे फख्र होता है कि उन्होंने मेरा कभी दामन नहीं छोड़ा, साथ नहीं छोड़ा, हमेशा उनको कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड देती हूँ। चाहे मेरा भाई आसाम से हो जमशेद अली, चाहे मेरा भाई उड़ीसा से हो, चाहे मेरा सिख मारो, चाहे मेरा विष्णु शर्मा अफजल जी, चाहे मेरा विनोद शर्मा जी जयपुर से, चाहे ऑल ओवर इंडिया की कोई भी स्टेट हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने मेरा साथ दिया, और सबसे प्यारा साथ मुझे आर बी शर्मा, राधा वल्लभ शर्मा जी का मिला, और पूरी एंटायर टीम का आनंद मिला। उन्होंने बोला कि हम आपके साथ हैं, सुख मिले दुख मिले कुछ भी हो, एक रुपया कमाए, 1,000 कमाए, 1,00,000 कमाए, हम आपके साथ में, आप जो करोगे वही करेंगे। तो मैं ऐसी प्यारी सी पूरी इंडिया में रन कर रही हूँ, टीम को सल्यूट करती हूँ दोस्तों, सल्यूट करती हूँ। आपके अच्छे वक्त में जब आप बहुत पैसा कमाते हैं तो लोग भी आपसे पूछते हैं कैसे हैं, लेकिन आपके जो समय होता है ना, समय के साथ में जो आपके साथ खड़ा होता है ना, वही आपका असली हीरो है, वही आपका असली परिवार वाला है, वही। तो मैं सभी अपने ग्रेट गुरुओं को, मेरे ग्रेट गुरु जो रेंटर्स में मुझे मिले हैं, उन्होंने मुझे इस कदर यहाँ पे संभाला कि आरती दीक्षित तू छोटी बहन है, हम करेंगे साथ में। और मैंने उनके विश्वास पे, मैं कहीं भी टूटी, लेकिन यहाँ पे
अपने आप को नहीं टूटने दिया, लोगों ने तोड़ने को मजबूर किया लेकिन अपने आप को कभी टूटने नहीं दिया, क्योंकि हम सब एक यूनिटी में रहते हैं और रेनेडर्स वेलनेस एक यूनिटी है, एक यूनिटी है, रेनेडर्स वेलनेस एक यूनिटी है। रेनेडर्स वेलनेस में आप सारे सपने इसलिए पूरा कर सकते हैं कि आप नारी शक्ति जरूर हैं, लेकिन आपको बढ़ाने वाले आपके साथ आपके दिग्गज अप्लाइंस साथ में हैं। ऑल एंटायर अप्लाइंस पूरी रेनेडर्स वेलनेस में कोई भी साइड के हो, कोई भी हो, सब कुछ रेनेडर्स के अप्लाइंस सारी टीम के कोई भी हो, कोई भी टीम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको एप्रिशिएट करते हैं, वो एप्रिशिएट करते हैं। ये है हमारी रेनेडर्स वेलनेस, ये है हमारी रेनेडर्स वेलनेस। मैं समस्त नारी शक्ति से एक ही चीज बोलूंगी कि अगर आपके सपने हैं, क्योंकि आपके सपने हैं, मैं जानती हूँ आप चाहती हैं कि आपको मान सम्मान रुतबा पहचान पैसा मिले, आप बहुत बड़ा कर सकती हैं, आप एजुकेटेड हैं, आप पढ़ी लिखी नहीं भी है तो भी चलेगा, क्योंकि रेनेडर्स वेलनेस आपके लिए ही है, क्योंकि 80% महिलाओं का बिजनेस है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रेनेडर्स वेलनेस। और आप आपकी जगह यहाँ पे खाली है, रेनेडर्स वेलनेस में आपकी जगह खाली है। जी हाँ नारी शक्ति, आपकी रेनेडर्स में जगह खाली है, आपका वेलकम है। रेनेडर्स वेलनेस आज नारी शक्ति को महिला सशक्तिकरण का पूरा बल दे रही है, एक एक नारी को सशक्त कर देगी, क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़े बड़े भाइयों का, बहुत बहुत बड़े गुरुओं का साथ में, क्योंकि यहाँ नारी सेफ है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगी आपको कि अपनी बहन बेटी को कोई भी बाहर भेजना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, क्योंकि बाहर नारी शक्ति सेफ नहीं है। लेकिन मुझे बताते हुए फख्र होता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपके साथ जो काम करने वाले होते हैं ना, वो चरित्रवान होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चरित्रवान लोगों का बिजनेस है, चरित्रवान लोगों का बिजनेस है, ये कैरेक्टर लेस लोगों का बिजनेस है ही नहीं। अगर किसी ने यहाँ पे आजमाया कैरेक्टर, लोग यहाँ पे सुंदर लड़के काम करती है, सुंदर लड़के काम करते हैं, अगर कोई गलती से केवल चेक करने आ गया ना, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लाख मार के भगा देती है, यहाँ से लाख मार के भगा देती है। दोस्तों यहाँ आपकी माँ बहन बेटी सुरक्षित है, रेनेडर्स वेलनेस हाथों में रखती है, रेनेडर्स वेलनेस हमारी माँ है, रेनेडर्स वेलनेस हमारी माँ है। हमारे सारे फाउंडर्स लीडर हमारे पिता हैं, वो अपने बच्चों की तरह हमें दुलार करते हैं, संस्कार देते हैं। दोस्तों एक मैसेज ये वाकई है कि अपने बच्चों को आप रेनेडर्स वेलनेस के माध्यम से एक प्रेरणा दे सकते हैं। दोस्तों प्रेरणा दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपका बच्चा किसी और को रोल मॉडल क्यों माने आपका बच्चा वो आपका है ना, आपका खून है, और अपना रोल मॉडल किसी और को मान रहा है, इट इज नॉट फेयर, गलत बात है। मैं कहती हूँ समस्त नारी शक्ति अपने आप को प्रूव करे, आपके अंदर सपने हैं, आप उन सपनों को पूरा करें, क्योंकि जब माँ काम करती है तो बच्चों का हौसला अफजाई होता है, बच्चे अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। मैं इस बात को, इस वादे से इसलिए कह पा रही हूँ कि मेरे बच्चों में, मैं आपको सच बोलती हूँ, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिकल, क्योंकि जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं उनमें से 60% लोग मेरे जानने वाले हैं, मेरी स्कूटी घूम घूम के काम कर करके सब मेरे को इसलिए जानते हैं कि ये तो मशीन है, मेरी स्कूटी इस कदर घूमती थी, काम करते 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 इस कदर घूमती थी कि मेरे को लोग इसे जानते कि ये महिला बहुत काम करती है, मेरी कोई और पहचान नहीं थी, ये लड़की बहुत काम करती है, ये पता नहीं इसकी शादी वादी हो गई है कि नहीं हो गई, लोगों को तो यही नहीं पता था कि मेरे प्यारे से दो बच्चे भी हैं। मैं अपने बच्चों को समय नहीं दे पाई ज्यादा, इसलिए दे पाई क्योंकि मुझे बड़ा करना था, और उनके लिए ही तो नहीं दे पाई। दोस्तों अगर आप सुन रही हैं मुझे, हर घर की प्रत्येक नारी शक्ति को मैं सल्यूट करती हूँ, आपके बच्चे भी होंगे, आप किसी की बहन भी होंगी, आप किसी की बेटी भी होंगी, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपने आप पे विश्वास होता है ना, और परमपिता परमेश्वर पे आपको विश्वास होता है ना, तो आप टेंशन ना लीजिए। लोग मुझे बोलते थे ये तो खुद घूमती रहती है, बच्चों का ख्याल नहीं करती, लेकिन मुझे बताते वो फक्र होता है कि मेरी रक्षा और मेरे बच्चों की रक्षा, मेरे परिवार की रक्षा मेरी माता रानी ने की। माता रानी ने, जिसके ऊपर मैं उनके ही हवाले करके जाती थी कि जन्म तो मैंने दे दिया, और तुझे पता है मैं मंदिर के सामने बैठी हूँ, मुझे पता है कि वो सामने सुन रही है मेरे को, कि उसको पता है कि जन्म तो मैंने दिया है, लेकिन उसने जन्म देने के बाद मुझे समय देने लायक छोड़ा ही नहीं, क्यों नहीं छोड़ा मुझे नहीं पता,
क्योंकि मुझे आज समझ में आता है कि बड़ा करवाना चाहती थी, बड़ा करवाना चाहती थी, बड़ा करवाना चाहती थी, वह इसलिए नहीं छोड़ा उसने मुझे बच्चों के पास, वो खुद रहती, खुद रहती। तू चल, तू चल, तू काम कर, तू महिला को घरों से निकाल बड़ा करने के लिए, क्योंकि महिलाएं जब आगे आती है ना तो पुरुष की भी शक्ति बढ़ जाती है, चाहे वो पिता हो। जब बेटी बड़ा करके लाती है, गोल्ड मेडल जीतकर लाती है, तो बाप कहता है ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। जब बहन का भाई, भाई की बहन वो जीत के आती है 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, तो उसे पक्का होता है कि ये मेरी बहन है। लोग ये जानते हैं कि जब अपना घर में से कोई बच्चा कुछ भी करके आता है तो वो उसे 10 बार चूमते हैं कि ये मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरी बीवी है। आपको बता दूं ना कि जब मेरा बड़ा बड़ा चेक बनता है ना तो मेरे बच्चे बोलते हैं पापा पापा मम्मी का कितना बड़ा चेक आता है। मेरे हस्बैंड भी मेरे बहुत अच्छे हैं, आज तक उन्होंने मुझसे तुमसे तू नहीं बोला, कभी नहीं बोला, बहुत प्यार करते हैं मुझे। और उनसे एक ही चीज बोलनी कि विश्वास करना आपकी आरती पर। मैं जानती हूँ कि लोग गलत बोलेंगे आपसे, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए, बहुत बड़ा करूंगी, आपको फक्र होगा। और वो जानते हैं इस बात को, इसीलिए मुझे आज तक उन्होंने तुमसे तू नहीं बोला कभी भी, कभी नहीं बोला, हमेशा साथ में खड़े रहे। बस उनका साथ मांगा था, बस साथ में खड़े रहना आपको राजा की जिंदगी, राजा की जिंदगी देगी। क्या हुआ किसी का पति, क्या हुआ दोनों जोड़े में से एक ही तो होता है, जिस चालाक होता है, थोड़ा सा बोल लेता है, थोड़ा सा मटक लेता है, थोड़ा ढूंढ लेता है, थोड़ा जिंदगी जीता है। क्या हुआ, मैंने अपने हस्बैंड को, मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया कि टेंशन ना लो, आने वाला समय आपका होगा, आप राजा होंगे, राजा होंगे, राजा होंगे, और ये भरोसा मेरे को अपलाइन ने दिलवाया। और दोस्तों मैं बता दूं नारी शक्ति को कि हम जिंदगी जीते हैं, काटते नहीं, क्योंकि हम रेनेटस वेलनेस में काम करते हैं, रेनेटस वेलनेस में काम करते हैं, रेनेटस नोवा के साथ काम करते हैं, रेनेटस नोवा के साथ काम करते हैं। रेनेटस नोवा क्या है आपको पता है? रेनेटस नोवा हर घर को खुशी देने वाला, अच्छी हेल्थ देने वाला, अच्छी वेल्थ देने वाला प्रोडक्ट है। दोस्तों जब ये डिब्बा खुलता है ना, जब ये डिब्बा खुलता है और मैं सुबह मॉर्निंग में कैप्सूल खाती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ मेरे चारों तरफ पैसा ही पैसा है। ऐसा मैं जानती हूँ कि मुझे बटोरने की देरी है, मेरे चारों तरफ पैसा ही पैसा है। और मैं विजुलाइज करती हूँ, विजुलाइज करती हूँ, विजुलाइज करती हूँ, बहुत बड़ा करती हूँ, कि मुझे पता है कि मेरी माता रानी, मेरे ग्रेट गुरुओं का सानिध्य है, मुझे यहाँ पर सानिध्य मिला हुआ है। और रेनेटस नोवा, रेनेटस नोवा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें 9 गिफ्ट पड़े हुए हैं। ऋषिकेश पाठक जी हमारे डेली बताते हैं, डेली बताते हैं, रटा दिए हैं सबको। तो आप हर घर में, ये कोई भी कंपनी, किसी भी कंपनी की बात नहीं कर रही, कोई भी कंपनी चले या ना चले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेनेटस नोवा हर एक घर की जरूरत है, हर एक आदमी की जरूरत है। तीसरी लहर आने वाली है, इसलिए सचेत हो जाइए, सजग हो जाइए, रेनेटस नोवा खाएं, निरोग जीवन बिताएं, रेनेटस नोवा खाएं, निरोग जीवन बिताएं। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, रेनेटस नोवा हर घर को सुखी करने वाला, समृद्ध करने वाला। और 5 चीज जहां जो नहीं मिलती, पूरी नौकरी सब कुछ मिलता है, मैं कोई चीज की बुराई नहीं करने वाली, लेकिन 5 चीज यहाँ पे मिलती है रेनेटस वेलनेस में आने के बाद। मान सम्मान, रुतबा, पहचान, पैसा, मान सम्मान। कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करोगे। और मैंने सिर्फ कर्म किया, नारी शक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ, सल्यूट करती हूँ कि आप रेनेटस वेलनेस में आइए। रेनेटस वेलनेस आपके लिए और हमारे लिए सेफ प्लेटफॉर्म है, सेफ है, क्योंकि यहाँ के ग्रेट गुरु हमें सेफ जोन में रखते हैं। कमांडो रहते हैं यहाँ पे, किसी भी तरह नजर को लगे, कोई नजर भागे तो देखे आने की नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी की जाती है, यहाँ नारी को इज्जत दी जाती है, यहाँ बहन बेटियों की इज्जत की जाती है, इज्जत की जाती है। डायरेक्ट सेलिंग के अलावा और रेंटल सेलिंग के अलावा मुझे नहीं पता क्या होता दुनिया में, लेकिन रेंटल सेलर्स में आने के बाद हम सेफ है। और बड़ा करने के लिए सपनों को बुना करते हैं यहाँ पे, बहुत बड़ा करने के लिए आए हैं, बहुत बड़ा करेंगे। और मैं कुछ पंक्तियां जरूर बताऊंगी, क्योंकि सिर्फ अपने आप पे विश्वास करो नारी शक्ति, नारी शक्ति, क्योंकि हम अच्छे सेफ हाथों में हैं, सेफ गुरुओं के सानिध्य में हैं। हमारे ग्रेट गुरुओं को मैं नमन करती हूँ कि आज उनके साथ में आके खूब मान सम्मान, रुतबा, पहचान, पैसा आ रहा है। खूब मुझे नहीं पता कैसे आता है, बस काम करती हूँ, कैसे गाड़ी मेंटेन करती हूँ, घर को मेंटेन करती हूँ, बस सोचा करती थी तब की लाइफ में और आज की लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है। लोगों ने मुझे नहीं देखा होगा तो आने वाले समय में, आने वाले समय में आगे की पिक्चरों को दिखाऊंगी कि मैं कल कैसी थी और आज कैसी हूँ। खुल के जिंदगी जीती हूँ, क्योंकि मैं खुशी के लिए काम नहीं करती दोस्तों, मैं खुशी के लिए काम नहीं करती, खुश होके काम करती हूँ, खुश होके काम करती हूँ, खुश होके काम करती हूँ। विश्वास हो खुद पर तो सितारे बदल जाते हैं, विश्वास हो खुद पर तो सितारे बदल जाते हैं, और नजर जो बदले तो नजारे बदल जाते हैं दोस्तों, नजारे बदल जाते हैं। और कश्तियां बदलने की जरूरत क्या है दोस्तों,
कश्तियां बदलने की जरूरत क्या है, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं, किनारे बदल जाते हैं। दोस्तों हारना नहीं है आपको, हारना नहीं है, काम को करते रहना है, कोई बात नहीं, प्लान दिखाने हैं ज्यादा से ज्यादा, रीटेक क्वालिफाई कराना है, क्योंकि रीटेक में अभी हमारा हयात रेजेंसी में फाइव स्टार प्रॉपर्टी में हम अभी अपने वेद गुरुओं के साथ में, अपनी पूरी टीम के साथ में, मैं जानती हूँ कि अभी मेरी कम टीम गई थी, लेकिन आने वाले 3 महीने में मेरी टीम के बंदे बहुत नजर आएंगे, आपको बहुत नजर आएंगे। मैं दोस्तों सभी से यही गुजारिश करूंगी, रीट्रीट पे पूरा पूरा फोकस करना है, रीट्रीट ही है वो जो हमारा विजन क्लियर कराता है, और रीट्रीट करेंगे तो आप बहुत बड़ा सोच को पैदा करेंगे यहाँ से, क्योंकि लोग मर जाते हैं दुनिया में जन्म लेके, लेकिन सोच को डेवलप नहीं कर पाते, रीट्रीट हमें वो सोच देता है दोस्तों, रीट्रीट हमें सोच देता है। थैंक यू। मन में जिनके विश्वास होता है, मन में जिनके विश्वास होता है वही जमाने में नाम करते हैं, जिनके हौसले होते हैं बुलंद वह लोग अक्सर बड़े काम करते हैं। अरे जिनके हौसलों में जान होती है, आसमां से ऊंची उड़ान होती है, जो सपने देखकर उन्हें सच करना जानते हैं, सिर्फ वही लोग हैं जो लक्ष्य तक पहुंचते हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा अपने आप को महसूस करें। थैंक यू सो मच, मुझे इतना ही समय मिला है, और रेंडस वेलनेस में आने के बाद मेरी जिंदगी में 4 चांद लग चुके हैं, बहुत बड़ा करके दिखाएंगे हम सब मिलके, हम सब और नोबियंस मिलके अपनी रेंडस वेलनेस को ऐसे ले जाएंगे, ये वर्ल्ड वाइज कंपनी ये बहुत देशों में जाने वाली है, और हम बहुत बड़ा करेंगे गुरुदेव, ये प्रॉमिस आरती दीक्षित की नारी शक्ति, हम सब मिलके और नोबियंस नारी शक्ति को मैं अपनी प्रेरणा की स्रोत मानती हूँ, जो भी यहाँ पर मैंने सुनी है उनको भी मैं नमन करती हूँ, हम बहुत मिलकर बड़ा करेंगे सारी नर शक्ति और नारी शक्ति, हम सब ऑल नोबियंस रेंडस वेलनेस में बहुत बड़ा करेंगे। थैंक यू सो मच, 8:50 हो चुका है मुझे पता है, और मेरे को इतना ही समय मिला था, इतना समय देने के लिए मैं आज अपने ऋषिकेश पाठक जी और वेद गुरुओं को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ कि उन्होंने इतना समय मुझे दिया। थैंक यू सो मच, आने वाले समय में आरती दीक्षित को आप दोबारा देखेंगे, क्योंकि हम नारी शक्ति बहुत लोग याद रखेंगे। सो मच, आज की ट्रेनिंग कमांडो ट्रेनिंग नारी शक्ति के नाम पे जानी जाएगी, और अच्छे अच्छे पुरुषों को आपने एग्जांपल सिखा दिया कि गियर 1 से डायरेक्ट 5 गियर कैसे लगाते हैं और 5th गियर में गाड़ी दौड़ाते कैसे हैं। यानी कि जब आपने स्टार्ट किया तो आपकी रफ्तार थी 10 की, लोग जब तक सोचते रहे उस वक्त तक आपने गाड़ी की रफ्तार 330 की कर दी, लोग कंफ्यूज हो गए आखिर तक कि अगर हमने अभी भी टीम को नहीं बुलाया था तो क्या गवा दिया। सलाम है आपको, प्रणाम है आपको, आपके उन सभी गुरुओं को जिन्होंने आपको आज रियल में आयरन लेडी बनाया है, और आज पूरे भारतवर्ष को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक एक लोगों को ये प्रतीत हो चुका होगा, एहसास हो चुका होगा कि अब रेनेडस की दुनिया में सिर्फ पुरुष कमांडोज नहीं है, महिला कमांडोज भी है, और महिला कमांडोज जिनकी नेतृत्व इस तरीके से करने की कार्यशैली आपकी है, नेतृत्व करने की कला में आप किस प्रकार कुशल है, इसकी प्रामाणिकता अब देने की जरूरत नहीं है, आपने एहसास करा दिया। फिर कहूंगा, बांके बिहारी की सरजमी से आती हैं आप, जो दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हुए थे, श्री कृष्ण की धरती से आती हैं आप, और मैं आज अभी आपकी आवाज में आपके जो शब्द थे उसमें भगवान श्री कृष्ण की छवि महसूस कर पा रहा था, और आज इसमें कहीं संदेह नहीं है कि जितने श्रोतागण ने आपकी इस आवाज को सुना है, आज के बाद शायद ही ऐसा कोई परिवार, ऐसा कोई घर होगा जो अपने महिलाओं को आरती दीक्षित बनाना नहीं चाहेगा रेनेडस की दुनिया में, और एक एक लोग आज से अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को कहेंगे। ये आज दिन, ये तारीख इतिहास में दर्ज हो चुका है, रेनेडस की दुनिया में 145वीं कमांडो ट्रेनिंग लोगों के जहन में आ चुकी है कि हर लोग अपनी माँ बहन बेटी को कहेंगे, पत्नी को कहेंगे कि अगर तुझे डायरेक्ट सेलिंगी करनी है तो रेनेडस में जाकर कर, और रेनेडस में ही करनी है तो आरती दीक्षित के समान कामयाबी प्राप्त करके देख। ये आपके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा और ऐसा ही लोग कहेंगे। कमेंट के ऑप्शन में आप पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आपके हृदय में क्या है, जितने श्रोतागण मेरी आवाज को सुन रहे हैं,
लेकिन जो आखिरी की इनकी 15 मिनट की स्पीच रही है, मैं कह सकता हूं कि एक बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच पर भी इनकी स्पीच भारी रही है। कमेंट के ऑप्शन में आपको कैसा लगा आप सभी बता सकते हैं। फिर मुलाकात होगी कल रात 8 बजे 146वें कमांडो ट्रेनिंग में किसी नए कमांडो के साथ। तब तक के लिए रॉकिंग रेनेटास। धन्यवाद।